सर, एक के बाद एक मामला आ रहा है कि मुजफ्फरपुर जैसे मामले जो बिहार के लिए बेहद शर्मनाक है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मुजफ्फरपुर की घटना नहीं है, 30 का रिपोर्ट आ चुका है। 750 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, चाहे वो कस्तूरबा स्कूल हो। अभी कटिहार में कस्तूरबा स्कूल में कूद करके जान देने का प्रयास किया, टीचर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। मधेपुरा में 13 साल की लड़कियों के साथ प्रेग्नेंट कर दिया गया टीचर के द्वारा और भागा हुआ है। पुलिस कहती है, हमने कहा इंटरपोल की मदद की आवश्यकता है। सुपौल में 4 सामूहिक बलात्कार हो चुके हैं लगातार। घटना जिस तरीके से अभी आप गया में देखे होंगे, एक स्कूल में 7 साल 9 साल बच्चों के साथ लगातार 2 सालों से यौन शोषण कर रहा था, सारे टीचर मिलकर। 3 टीचर गिरफ्तार हुए, कोई सेफ नहीं है। सिस्टम और नेता जिसमें इन्वॉल्व हो, महापाप और कुकर्म की भागीदार है और समाज उससे ज़्यादा विकृत मानसिकता की है। कनाडा और अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा पोर्न हमारा भारत देखता है। यदि हमारे भारत में 94.8% लोग पोर्न देखेंगे, ब्लू पिक्चर देखेंगे, तो यौन शोषण का रास्ता नहीं बनेगा क्या? बनेगा। तो पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप इसको बैन करिए। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा देखा ही जाता है, सबसे ज़्यादा खोजा ही जाता है पोर्न। उसके बाद धर्म, मजहब, भगवान और जात पात, ये 4 चीज़ ही तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर है। तो समाज की मानसिकता जिस तरीके से, आप 1 साल हम इंतजार करते हैं होली खेलने का जी। और होली में हम बेटी जैसी को साली बना करके रंग देने की हमारी प्रवृत्ति होती है। हम भाभी और मामी का इस्तेमाल करते हैं रंग के लिए। तो हमारी ऐसी मानसिकता कहाँ ले जाएगी? यौन शोषण की ओर नहीं ले जाएगा तो कहाँ ले जाएगी? कोई सेफ नहीं है और ये विषय भी नहीं है देश के लिए। विषय है SSC, OBC, आरक्षण, पद्मावत, जय श्री राम, परशुराम, जय भीम, जय भामाशाह, मराठा गुजराती आंदोलन, ये इशू है। NRC, ये बेटी इशू कहाँ है? बहन और माँ इशू कहाँ है? ये समाज का इशू बनता कहाँ है? एक निर्भया दामनी का बलात्कार हुआ तो पूरा देश कैंडल जलाया, क्योंकि उसके पीछे जात और बड़े बाप की बेटी थी। चूंकि शेल्टर हाउस में जितनी बच्चियां, 60% बच्चियों का बलात्कार हुआ, 7 साल लड़की से लेके 14 साल, 16 साल, 13 साल, 12 साल, 11 साल, 40% लड़कियां उसमें प्रेग्नेंट है। तो जो बलात्कार हुआ वो यतीम थी, वो बेसहारा है, उसका कोई बाप माँ नहीं है, जात नहीं है, तो इसलिए कोई जात का ठेकेदार खड़ा नहीं हुआ। पप्पू यादव और रंजीत रंजन को लड़ना पड़ा, हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। सरकार मनीषा दयाल जैसे और ब्रजेश ठाकुर जैसे लोगों को पालता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके मलेशिया जाएंगे, दुबई जाएंगे, लंदन में जा करके परोसेंगे, तो घटना नहीं घटेगी तो क्या होगा जनाब? इसीलिए कानून का इकबाल नहीं रह गया, कोई डर नहीं है। इसीलिए गैंग रेप, सामूहिक रेप और इस तरह की बच्चियों के साथ लगातार सामाजिक तौर पर यौन शोषण, यह सरकार का और व्यवस्था का फेल्योर है। ये लोग राजनीति में मस्त हैं। बच्ची और माँ और बहन भाण में जाए यह किसी के लिए विषय नहीं है। इसीलिए महाभारत से बड़ी युद्ध की जरूरत है।